जल्द अमीर आदमी बनने की चाहत ने एक पढ़े लिखे युवक को हवालात पहुंचा दिया। इस युवक का नाम है सतीश दुबे, जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने और चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जिले की देवरी कला का रहने वाला सतीश दुबे पेशे से फार्मासिस्ट है, जो भोपाल में मेडिकल स्टोर चलाता है। मेडिकल स्टोर चलाते चलाते वह नकली नोट छापने लगा था। दिनांक 16 अप्रैल को जब वह देवरी आया तो स्थानीय शराब दुकान पर नकली नोटों की सहायता से शराब खरीदने पहुंचा। शराब दुकान वाले को नोट नकली होने की शंका हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नोटों की पड़ताल कर बैंकों के द्वारा करवाई और नोट नकली निकले। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक प्रिंटर, कुछ कागज सहित 8,000 रुपए जब्त कर लिए। गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 150 के नकली नोट बरामद हुए हैं। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पे एक प्रिंटर, HP का कटर और कुछ शीट्स जिसपे नोट प्रिंट हुए थे वो बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी पे जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार कहानी इस प्रकार है कि ये सतीश दुबे, इसने फार्मेसी का कोर्स कर रखा है और भोपाल में ये एक मेडिकल स्टोर चलाता है। मूलतः देवरी का रहने वाला है और इसने जल्दी अमीर बनने के लिए या नोट कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया और घर पे ही ये प्रिंट करके और नोटों को चला रहा था। और देवरी शराब दुकान में जब ये शराब लेने पहुंचा और इसने 100-100 के नोट दिए तो दुकानदार को कुछ शक हुआ और उस आधार पे पकड़ा गया। इन नोटों का वेरिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करा लिया गया है, उनकी रिपोर्ट मिल गई है कि ये नोट नकली हैं। और ये पूछताछ पे इसने ये भी बताया कि ये बड़े नोट नहीं छापता था, क्योंकि बड़े नोटों को देते वक्त जो लोग बहुत तस्दीक करते थे और उलट पुलट के देखते थे, इसलिए 50 और 100 रुपए के ही नोट छापता था। सर, कौन सा मामला दर्ज हुआ सर आरोपी पे? इसमें IPC की है धारा 489 और भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई हम करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।